माँ बाड़े के लिए जो बच्चों की बाल गोपाल स्कीम लाए हैं, बजट आने दो, थोड़ा इंतजार कर लो, बजट में जो आप मांगोगे वो कभी छः लाख बच्चे ऐसे राजस्थान में हैं, 6 लाख बच्चे लगभग, क्योंकि माँ बाप दोनों नहीं हैं, कुछ तो कोरोना में चले गए, कोरोना में कुछ पहले आगे भी जो हो गए, हम उनके लिए भी 500 रुपये लगा करके 2500 रुपये प्रति माह दे रहे हैं, छोटे बच्चों को या ज़्यादा पड़ता 2500 दे देते हैं, दादा दादी के पास में, नाना नानी के पास में या कोई रिलेटिव के पास में पढ़ सके, वो देखभाल हो सके उनकी, उनका अलग ख्याल रख रहे हैं, करीब 5-6 लाख बच्चे को हैं। मानकर का तो अभी MP राम ने कह दिया है, प्रधानमंत्री जी को आप जाके समझाओ जाके कहो उनको भाई कि हमारा मुख्यमंत्री जो है पीछा नहीं छोड़ रहा हमारा, और वो बार बार याद रहा जाता है मानकर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करो। हम उम्मीद थी उस दिन, जो है प्रधानमंत्री जी इस मूड में आए थे, पहले हमारे जब हम मेरे चीफ सेक्रेटरी बात भी कर ली थी उन्होंने टेलीफोन, वो मोबाइल क्या कहते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात हो गई थी, जानकारी प्राप्त कर ली, हमने कहा कि जमीन मांगोगे दे देंगे हम लोग, आप तो बनाओ राष्ट्रीय स्मारक, उस मूड में वो आए थे, उस मूड में मैं भी गया था वहाँ, पता नहीं क्या मूड बदल गया, पता नहीं क्यों मूड बदल गया, पता नहीं लगा, तो हम तो घर आ जाएंगे, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश गुजरात राजस्थान से मिलकर बात करो, फिर बात तय करें क्या करना है, तो राज वो राज ही है, पता नहीं क्या राज था, क्यों नहीं उन्होंने निकले किया, निकले गए मूड में थे वो, एक बार यार की भी योजना है वहाँ पूरी रास्ता की 13 जीवन की पानी की, वो भी रात हम प्रधानमंत्री की मांग करते रहते हैं, आपने घोषणा की थी जयपुर में और अजमेर के अंदर, मैं आपसे कह रहा हूँ दोनों MP साहबान से कहना चाहूँगा, दोनों आपको मैं कह रहा हूँ कि आप और MP से बात करो, आपकी पार्टी हित में कह रहा हूँ, अगर आपने 13 पीने के पानी का मामला है, वो पीने के पानी का मामला है, प्रधानमंत्री ने क्या वीडियो में दिखा दिया पत्रकारों को, 13 जिले के नाम ले रहे हैं वो, तो इन जिलों की ये प्रॉब्लम है, मैं सकारात्मक दृष्टिकोण रखूंगा, और वो पता नहीं वो मंत्री भी राजस्थान के हैं, जोधपुर के मेरे खुद के इलाके के हैं, पता नहीं वो क्यों नहीं लगा पा रहे हैं, आपको दोनों MP साहबान को मैं कहना चाहूँगा, आप सबसे बात करो कि भैया वो मुख्यमंत्री महाराज बोल रहे हैं उनका साफ नहीं हो जाए 13 जिले का, मैं चाहूँगा कि आप हमारी मदद करें, तो मुझे खुशी है कि आज आप सबसे पारिवारिक माहौल में बात हो रही है, इस बात की मुझे बहुत खुशी है, कोई मुझे लंबी बात नहीं कहता, मुझे तो एतवार में कई बात खत्म कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपके लिए एयरपोर्ट से आया हूँ हेलीपैड से, हेलीपैड वापस जा रहा हूँ, और कोई प्रोग्राम नहीं है यहाँ पर, सिर्फ आपके लिए मैं आया हूँ, क्योंकि मेरा जी ने मुझे कहा, मैंने कहा मैं अभी चाहूँगा, और मुझे खुशी है कि आप लोग इतने उत्साह से बैठे हुए हो, अगर आप तय कर लोगे तो आपके आदिवासी अंचल में जो चाहते हैं विकास हो, शिक्षा में बच्चे आगे बढ़े, चौमुखी विकास में भागीदार बनो, आप सब कुछ कर सकते हैं, और आप गौरव प्रदान हो रहा है यहाँ पर, सम्मान प्रदान हो रहा है टीचर्स को भी और आप सबको, तो ये तबका ही बहुत है जो हमारे आदिवासी अंचल में हमारी समस्याएं हैं, विकास के काम हैं, शिक्षा में हो विशेष रूप से मेरी रुचि, शिक्षा अगर शिक्षा है जिंदगी में तो सब कुछ है, शिक्षा के बगैर अंधेरा जिंदगी के अंदर है, जो परिवार जो जाति जो पांति जो वर्ग, खाली बात जातिवादी करोगे कुछ नहीं होने वाला है, अगर आप शिक्षित हो समाज आपका आपकी जाति शिक्षित है तो सब कुछ हो जाएगा। पहली बार जब मुख्यमंत्री था मैं 24 साल के पहले मेरी गाय 23 साल हो गए होंगे, तब मैंने नारा दिया था पानी बचाओ बिजली बचाओ सबको पढ़ाओ, दूसरी बार बना मैं तो मैंने कहा पानी बचाओ बिजली बचाओ सबको पढ़ाओ,
वृक्ष लगाओ और एक और क्या था पांचवा टीका लगाओ बेटी बेटी पढ़ा पता नहीं क्या था बेटी बचाओ। तो ये जो है ये तमाम बातें इम्पोर्टेंट लगती है। आप सक्षम हो, आप थोड़ा समय ज़्यादा नहीं थोड़ा समय सामाजिक सेवा में